In our environment, you see many round objects like wheel, bangle, coins, and many more objects. This geometrical shape, circle, is very important for our daily life. Can you identify a circle from the given figures? Yes, you are right. The yellow one is a circle. But how do you identify? How do you define it? Let us first define it. Circle is a closed figure made up of points which are equidistant from a fixed point. इसका मतलब है जो fixed point है that should be at the center, that is known as a center, and from that this is a fixed point. If I take 4 centimeter gap here and another 4 centimeter gap here and keep doing this, and you will be getting a proper circle. So in a circle, every point should be equidistant from the fixed point. This fixed point is known as center. Now let us move toward part of the circle. So this outer boundary is known as the circumference. Circumference is the outer boundary of the circle. जिसको हम perimeter से भी जानते हैं. Perimeter use होता है polygons के लिए, whereas circumference use होता है circle, curved shapes के लिए. Now coming to the radius. Radius is a line segment between center and a point on the circumference. Radius को हम R से represent करते हैं कहीं पर, तो हम इसको बोल सकते हैं OA, and this thing is represented as OA bar. That means this is a radius. Radius कहीं पे भी हो सकती है, ऐसे या ऐसे, ये सारी के सारी क्या हैं? Radius. But अगर center से हो और meet ना करे तो ये radius नहीं है. या circumference से point आए but radius पे ना touch करे, sorry center पे touch ना करे, तो वो radius नहीं है. रेडियस होने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है कि एक लाइन सेगमेंट हो जो सेंटर और किसी भी एक पॉइंट को टच करे, दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट कम्स द डायमीटर. डायमीटर इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, बट क्या वो एनी टू पॉइंट होगा? This is not a diameter. There is one more condition to a diameter, that it must pass through the center of the circle. So this was radius. So PQ is a diameter. तो ये क्या लाइन है जो सेंटर से पास नहीं कर रही? बट अगेन द डेफिनेशन इज सेम, जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सपोज PM. सो व्हाट इज PM फॉर दिस सर्कल? PM इज नोन एज द कॉर्ड. सो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? Chord is a line segment joining any two points on the circumference of the circle. यहीं से एक बहुत ही important point निकल के आता है, ये भी chord है. कोई भी आप line बना दो chord इस तरीके से जो कोई दो points को touch करे, ये भी तो chord हुई, PQ भी तो chord हुई. तो PQ और you can say diameter is also known as the longest chord. Diameter is also known as the longest chord. ये जो है वो one marker question आ जाता है कई बार.
ओके, नाउ मूविंग एट वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमने जैसे कि बोला पी क्यू जो है वो डायमीटर है, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ओ क्यू क्या है, वो एक रेडियस है. और ओ पी क्या है, वो भी एक रेडियस है. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डायमीटर इज नथिंग बट टू टाइम्स रेडियस. सो ये एक फॉर्मूला है, डायमीटर इक्वल्स टू टू टाइम्स रेडियस, और रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाय टू टेकिंग टू द अदर साइड, या मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा. ये आप सिंपल इक्वेशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं. ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर में यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी हम फिर दोबारा डिटेल में देखेंगे. बट ये समझने वाली बात है कि ऐसा फॉर्मूला क्यों आया. सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने पढ़ा फिक्स पॉइंट, सेंटर जो मिडल में होता है. उसके बाद हमने पढ़ा सर्कमफेरेंस के बारे में, आउटर बाउंड्री जिसका फॉर्मूला 2πr होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर में फिर दोबारा पढ़ लेंगे. उसके बाद हमने पढ़ा कॉर्ड के बारे में, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स. उसके बाद हमने पढ़ा डायमीटर के बारे में, अगर वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास करे तो वो डायमीटर बन जाती है, और रेडियस उसका हाफ हो जाता है जो सेंटर और कोई भी एक पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे मीट करें, ज्वाइन करें. आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्क. आर्क कोई भी दो पॉइंट्स MN, तो आर्क होती है पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो जैसे पूरा का पूरा बैंगल है, बैंगल को अगर मैं तोड़ दूं तो एक जो पार्ट निकल कर आता है उसका, उसे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल. सो ये जो छोटा वाला पार्ट हो गया उसे कहते हैं माइनर आर्क, ये जो बड़ा वाला पार्ट हो गया उसे कहते हैं मेजर आर्क. तो लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, अगर मैं इसको एम एन लिख दूंगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या मतलब है मेरा इससे. कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन बन जाए तो एम एन जो है वो कॉर्ड भी हो सकती है और आर्क भी हो सकती है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है. अगर मैं एम एन के ऊपर लाइन बना दूं तो वो कॉर्ड हो जाएगा, अगर मैं एम एन के ऊपर ये आर्क का सिंबल बना दूं तो वो आर्क हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो आर्क और कॉर्ड के बीच में समझ में आ गया होगा क्या मतलब है. अब एक ही एक और चीज़ है, इसके जो बीच का जो पार्ट होता है इसे कहते हैं एरिया, रीजन. इस रीजन को बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. तो सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, आप खुद बताओ किन दो के बीच में है, आर्क और कॉर्ड. तो सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज इन बिटवीन कॉर्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. तो बहुत ही ईजी होती है डेफिनेशन समझना, पहले फिगर से समझ लेते हैं. ये सर्कल का पार्ट है, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब हो गया ऐसा ना हो कि आर्क ये है, कॉर्ड ये, आर्क ये, ऐसा नहीं. सेम कॉर्ड सेम आर्क, मतलब इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. एक लास्ट पॉइंट आ जाता है आज के लिए, जो पिज़्ज़ा शेप. पिज़्ज़ा आपने खाया होगा, स्लाइस खाई होगी उसकी, उसका एक स्पेशल नाम है. इफ़ यू नो कमेंट बॉक्स में डालो अभी के अभी. बट फिर भी इसका जो नाम है वो क्या है, सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. सो इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर हम दिखा देते हैं सेक्टर कहाँ है. या ये देखो मैच कर रहा है, तो ज़रा ध्यान से समझते हैं क्या शेप है. ये रेडियस और ये रेडियस, और ये क्या है, आर्क. तो
इट इज़ द रीजन बिटवीन टू रेडियाई. रेडियाई का मतलब होता है प्लूरल ऑफ रेडियस. इट इज़ द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. सो सेक्टर का डेफिनेशन ये हो गए. तो इस तरीके से मार्क करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सब क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. 6th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन आता है, 7th क्लास में इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, 8th, 9th, 10th में तो प्रॉपर एक चैप्टर है सेगमेंट और सेक्टर के ऊपर. तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, सब क्लासेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक. तो 6th क्लास में दो और टॉपिक हैं जो नहीं आते, 9th, 10th में आते हैं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ. तो जल्दी से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, तो यू ऑलरेडी नो दिस, दिस इज अ कॉर्ड. कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट. अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं बोथ एंड से तो दिस विल बिकम अ सीकेंट. इसका एक्सप्रेशन नाम होता है सीकेंट. सीकेंट इज अ लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट. सीकेंट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स. देखो ये टू पॉइंट, सपोज मैं एक्स और वाई बोल देता हूँ. अगर मैं बोलूँगा एक्स वाई तो पता नहीं चलेगा क्या है. अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एक्स वाई के ऊपर बार, एक्स वाई के ऊपर लाइन, एक्स वाई के ऊपर आर्क. तो आप किसके बारे में बात कर रहे हो वो मैटर कर जाता है. अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो ये सीकेंट हो जाएगा. एक्स वाई एक लाइन है जो सर्कल से पास कर रही है. अगर ये लाइन एक बड़ी होती चली जाएगी अगर हम यहाँ से जाए भेजेंगे तो, और अगर ये एंड पॉइंट से जाए, एक पॉइंट से टच करे, ओके, एक पॉइंट से अगर ये टच करे तो सीकेंट की जगह इसका नाम बदल के हो जाता है, सॉरी, टेंजेंट. क्या हो जाता है? टेंजेंट. टेंजेंट इज अ काइंड ऑफ अ सीकेंट बट विच इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट. उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द सर्कल एट एनी वन पॉइंट. कोई भी एक पॉइंट पे, यहाँ से भी जा सकते हैं बट वो अंदर से नहीं जानी चाहिए, टच करते बाहर से जानी चाहिए. तो यहाँ तक का आपका सारे के सारे पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल हो गया, और हमने डेफिनेशन की भी बात कर ली. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ मार्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.6 ग्रेड 6 एनसीईआरटी की नोटबुक से. अगर आपके पास एनसीईआरटी की नोटबुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आप कोई भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, ICSE या IB या कोई भी बोर्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप अपने ग्रेड के लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो उनमें तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम उसके ऊपर रिप्लाई भी कर देंगे. अभी के लिए सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन था ये, जो आप 10th लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और 6th लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. बिफोर गोइंग, don't forget to subscribe the channel for latest videos. Thank you for watching. See you in the next video.